Hello and welcome to Sri Sai Tejasvi Academy to this session of JEE Chemistry. Welcome to all the aspirants. Now we are going to see about atomic structure in our chemistry. This is a very basic subject, very important chapter for those who are preparing for JEE, NEET, as well as for 11th exams. So to start with, we are going to see about atomic model. What are we going to see about in this chapter is, we are going to deal in detail about de Broglie wavelength and Heisenberg's uncertainty principle. So that will be our focus. Before that, we need to have a short introduction of what all the things happened, what are the events which happened which led to the de Broglie and Heisenberg's principle. So let us see the background of it and then we'll go in detail. Yes, so we'll start with the atomic models, what has happened. So dates are not important, but initially in 1885, John Balmer, the person who predicted the hydrogen spectrum, he gave the formula for hydrogen spectrum. Uske baad 1994 mein J.J. Thomson ne, uske baad 1897 mein J.J. Thomson ne electron discover kiya tha. Pehli baar electron discover hua. Uske baad 1994 mein usne J.J. Thomson ne plum pudding model propose kiya. उसके बाद 1911 में रदरफोर्ड ने बोला कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होता है, उसके अराउंड स्पाइरल पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करता है और एनर्जी लूज करता है, ऐसे बोला रदरफोर्ड ने. आफ्टर दैट डी ब्रोगली, उसने क्या किया, डी ब्रोगली ने पहली बार उसके बाद बोर ने 1913 में बोर मॉडल प्रपोज किया. वो केवल हाइड्रोजन एटम के लिए ही लिमिटेड था, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम था. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स, पहली बार ऑर्बिट्स की बात की बोर ने बोला इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में घूमता है. सो इट व्हेन इट मूव्स इन ऑर्बिट इट लूजेस और गेन्स एनर्जी बाय मूविंग अक्रॉस ऑर्बिट्स, यहां से वहां कूदता है, वहां से यहां कूदता है, क्या इलेक्ट्रॉन एक जगह में बैठा नहीं रहता. So electron loses energy or gains energy when moving across the orbital, and he derived the formula theoretically. So these are the formulas for Bohr model. So this we are not seeing anything in detail now of all this. We are going to focus only on de Broglie and Heisenberg for this session. Right. So now we are moving on to de Broglie dual nature, de Broglie hypothesis. What he proposed was dual nature of electron. पहले बोर ने क्या पार्टिकल मॉडल था, पहले लोग सोच रहे थे द इलेक्ट्रॉन विल बी इज अ पार्टिकल, इज अ मास, इलेक्ट्रॉन हैज मास एंड इट हैज पार्टिकल. डी ब्रोगली ने बोला नहीं भाई, ये इलेक्ट्रॉन केवल पार्टिकल ही नहीं है, डूइंग नेचर है, दोनों है, पार्टिकल भी है वेव नेचर भी है, ऐसे करके बोला डी ब्रोगली ने. किस बेसिस में बोला, यंग का EmC² बेसिस में बोला और वेव नेचर प्रपोज किया. उसके बाद श्रोडिंगर ने क्या किया, वो ये डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग दोनों को मिला के बोला कि एक ई क्लाउड मॉडल प्रपोज किया. इन्होंने श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग ने एक कॉन्सेप्ट किया कि बोर ने क्या बोला था, ऑर्बिट में घूम रहा है, यहां ये रहा न्यूक्लियस, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, वही बोला बोर ने. अभी क्या श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन प्रपोज करके क्या बोला, नहीं भाई ये ऑर्बिट में नहीं घूम रहा है, एक रीजन है ऑर्बिट के अराउंड कि द रीजन, दैट इज अ रीजन इन विच द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन अ रीजन, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल, वेरी इंपॉर्टेंट. श्रोडिंगर ने बोला कि ऑर्बिटल, अभी तक हम यही कॉन्सेप्ट में है कि ऑर्बिटल्स में चल रहा है. श्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशन किया, वो बाद में देखेंगे हम,
वो वेव इक्वेशन में कांस्टेंट रहता है, वो कांस्टेंट दे ही हमारा क्वांटम नंबर आजिम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अजीमुथल क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम सब उसी कांस्टेंट के बेस में है, वो कांस्टेंट ही हम आगे चल के बोलेंगे क्वांटम नंबर करके। तो यही इंट्रोडक्शन है, अभी थोड़ी देर के लिए वीडियो पास कीजिएगा और पास करने के बाद यू विल बी हैविंग सम क्वेश्चंस, थिंक अबाउट व्हाट आई हैव टॉट, वी विल सी द क्वेश्चंस, यू आल्सो थिंक अबाउट द आंसर्स, देन आई विल कम एंड आंसर द क्वेश्चंस। लेट अस सी द क्वेश्चंस नाउ, पॉज एंड पॉन्डर, मतलब थोड़ा वीडियो पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चंस हैं, थ्री क्वेश्चंस हैं, पढ़ लीजिए, पॉज कर लीजिए, फिर आंसर कर लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड प्लम पुडिंग मॉडल, किसने प्रपोज किया था प्लम पुडिंग मॉडल करके हमने दिया था ना, वो किसने प्रपोज किया, हु सेड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है करके बोला, किसने बोला, कैन यू टेल व्हाट इज एन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल माने क्या है, थोड़ा सोचो उसके बाद हम देखेंगे। हाँ तो रेडी है, हम डिस्कस करें, हमने जो क्वेश्चन किया था उसके लिए डिस्कशन कर रहे हैं अभी। फर्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड प्लम पुडिंग मॉडल, किसने किया था, बोर ने, ईजनबर्ग ने, किसने किया था, दोनों ने, जे जे थॉमसन ने किया था प्लम पुडिंग मॉडल। हु सेड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन ऑर्बिट, ऑर्बिट माने बोर, ऑर्बिट वर्ड देखते ही बोर, ठीक है। अभी व्हाट इज एन ऑर्बिटल बता सकते हैं, ऑर्बिटल माने बोर ने ऑर्बिट करके प्रपोज किया था ना, उसके बाद श्रोडिंगर ने क्या बोला, नहीं भाई ये ऐसा बात नहीं है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स में नहीं, ऑर्बिटल एक रीजन है यू अराउंड द मतलब ऐसा करके न्यूक्लियस है यहां पे ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अराउंड एक रीजन है जिसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की, ये वाला रीजन है ऑर्बिटल करके अभी श्रोडिंगर ने प्रपोज किया, यही इसका आंसर है, व्हाट इज एन ऑर्बिटल करके, ठीक है। हमने ये देख लिया, अभी आगे बढ़ेंगे, अरे आगे बढ़ने के पहले एक बात, सर आपने तीन क्वेश्चन दिया है बस ऐसे ही जेई में आएगा, बिल्कुल भी नहीं, ये समझने के लिए क्वेश्चन हैं, ये ऐसे वाले आ ही नहीं सकते, यू हैव टू एक्सपेक्ट मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन इन जेई, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन कोई पूछने वाला नहीं है, ये आपके समझ के लिए है, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, टू रिव्यू द कॉन्सेप्ट्स आई हैव आस्क्ड। अभी प्रॉब्लम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रॉब्लम करेंगे डीप रोगे रीजन वर्क में, पता चलेगा जेई में कैसे पूछते हैं, ठीक है। अभी आगे बढ़ेंगे, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, क्या है वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, इसके अंतर्गत दो चीज देखने जा रहे हैं, एक है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, दूसरा है हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अभी डी ब्रोगली देखने वाले हैं, डी ब्रोगली का क्या है, ड्यूअल नेचर, डी ब्रोगली आंटी ने बोला इलेक्ट्रॉन ड्यूअल नेचर है, उसके पहले लोग सोच रहे थे ऐसे मैंने बोला पार्टिकल नेचर है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है ऐसे करके बोला, सोचा था
डी ब्रॉगली ने बता दिया नहीं वेव नेचर भी है एसोसिएटेड विद द वेव इट हैज अ वेव लेंथ लैम्डा डी ब्रॉगली वेव लेंथ करके फेमस बोलते हैं अक्सर वेव लेंथ लैम्डा एंड इट इज डिपेंडेंट अपॉन मास डिपेंड्स ऑन मास एम करके बोला अभी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है मैथमेटिकली डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमने बोला ना लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी ब्रॉगली ने बोला ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p पी माने मोमेंटम मोमेंटम क्या होता है हमें पता है पी इक्वल टू एम वी है ना तो लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/mv प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाते हैं इसको बोलते हैं h/mv इसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट इसका वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा आपको प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड यूनिट ठीक है अभी ठीक है ये है डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस फॉर्मूला याद रखिएगा प्रॉब्लम अभी करेंगे यूज करेंगे लैम्डा इक्वल टू h/mv डी ब्रॉगली के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको याद रखिए बोलना नहीं कभी भी बोलना नहीं ठीक है अभी बोर ने क्या बोला mvr इज इक्वल टू nh/2π ध्यान से देखिए अभी थोड़ा 2π को इस तरफ कीजिएगा आर बोर रेडियस n क्या है n इज 1, 2, 3 ठीक है n h/mvr इस तरफ आ जाएगा तो mv ठीक है अभी देखो 2πr इज इक्वल टू h/mv क्या है ये है n लैम्डा ठीक है ये n फॉर्मूला भी याद रखिए प्रॉब्लम में यूज करेंगे अभी डी ब्रॉगली लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/π सॉरी मोमेंटम लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/p माने mv मोमेंटम मास टू वेलोसिटी लैम्डा इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लगाते हैं h/mv सो बोर क्या बोला अकॉर्डिंग टू बोर mvr इज इक्वल टू ns/2π इस h/mv को इधर आते हैं h/mv हो जाएगा इसको बोलते हैं लैम्डा तो 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा हो जाएगा ठीक है समझ में आ गया समझ में आया कि नहीं समझ में आ गया तो ये समझ में आ गया तो एक प्रॉब्लम करते हैं एक प्रॉब्लम एक बॉल है मास 25 ग्राम ले लीजिए अभी ये जस्ट एन एग्जाम्पल 25 ग्राम वेलोसिटी 6.6 × 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड रख लीजिए फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर दिस बॉल एसोसिएटेड विद दिस बॉल कैसे करेंगे सीधा साधा फॉर्मूला है सीधा साधा प्रॉब्लम है फॉर्मूला डायरेक्ट एप्लीकेशन आंसर h/mv h क्या है 6.6 × 10⁻³⁴ डिवाइडेड बाई m क्या है 25 × v 6.6 × 10⁴ यूनिट कन्वर्शन कर लीजिएगा चाहिए तो मीटर में आना चाहिए ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट कर दीजिए उसके बाद ये क्या आएगा फिर कैलकुलेट कर लीजिए आगे ऊपर छोड़ता हूँ कैलकुलेट कर लीजिए आंसर कर लीजिए स्ट्रेट एंड सिंपल आंसर है ऐसे कैलकुलेट करना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ प्रॉब्लम्स ठीक है अभी
एग्जाम के लिए दिया था, अभी प्रॉब्लम्स करेंगे, अभी थोड़ा पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करने के बाद उसके बाद प्रॉब्लम्स भी करेंगे, ठीक है। हाँ अभी कंटिन्यू करते हैं, अभी हमने डी ब्रोगली देखा था, अभी उसके हिसाब से पॉज एंड पॉन्डर, वीडियो पॉज कर दीजिएगा, आंसर कर दीजिएगा क्वेश्चंस, उसके बाद हम आंसर डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चंस देखेंगे। डी ब्रोगली स्टेटेड दैट मूविंग पार्टिकल हैज एसोसिएटेड क्या। सेकेंड क्वेश्चन, हु मॉडिफाइड बोर थियरी बाय इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट फॉर इलेक्ट्रॉन पाथ। किसने किया था? Which of the third question? Which of the following graphs correctly represent the variation of particle momentum with de Broglie wavelength? अक्सर JEE में, NEET में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ दिया जाता है, आपको सोचना पड़ता है, स्ट्रेट आपने जो ग्राफ पढ़ा है, जो हमें मालूम है वो ग्राफ नहीं आता, थोड़ा मॉडिफाई करके ग्राफ देते हैं, आपको पता करना है कि क्वेश्चन के हिसाब से क्या है ग्राफ। तो ऐसा क्वेश्चन दिए हैं, तीन क्वेश्चन हमारे पास है, पॉज कर लीजिए, सोचिए, उसके बाद हम आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपने आंसर कर लिया होगा। पहला क्वेश्चन, डी ब्रोगली स्टेटेड दैट मूविंग पार्टिकल हैज एसोसिएटेड वेव, है ना। आपने क्या सोचा? पार्टिकल, पार्टिकल हैज वेव, यही डी ब्रोगली अंकल ने बोला था। दूसरा क्वेश्चन, हु मॉडिफाइड बोर थियरी बाय इंट्रोड्यूसिंग एलिप्टिकल ऑर्बिट फॉर इलेक्ट्रॉन पाथ। किसने? सोमरफील्ड साहब ने, सोमरफील्ड करके एक साइंटिस्ट ने ये किया था, सोमरफील्ड एलिप्टिकल ऑर्बिट फॉर इलेक्ट्रॉन पाथ इंट्रोड्यूस किया। थर्ड और आखिरी और इंपॉर्टेंट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द पार्टिकल मोमेंटम, पार्टिकल मोमेंटम और वेवलेंथ का ग्राफ, लैम्डा और वन बाय थीटा। हमें पता है लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय टी, ये क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाय टी, है ना। मतलब वन लैम्डा और वन बाई पी का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए हमको, ये नहीं है, ये लैम्डा और वन बाई पी का ग्राफ ही नहीं है पहले, ठीक है। लैम्डा और वन बाई पी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला करेक्ट, ठीक है। तो ये है अभी पीओ क्यू टाइम, थोड़ा डी ब्रोगली के लिए थोड़ा एक दो प्रॉब्लम करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी कंटिन्यू करते हैं, डी ब्रोगली हमने कॉन्सेप्ट देखा था, अभी इसका प्रॉब्लम, एक पीओक्यू प्रॉब्लम हमारे पास है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का प्रॉब्लम, जेई में आया था, सवाल है बेसिक्स का सवाल, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ और बोर ऑर्बिट, फोर्थ बोर ऑर्बिट में क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है, अभी 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा हमें पता है, ठीक है। अभी यहां आर कितना? ए नॉट एन स्क्वायर बाय इजेड, है ना, ए नॉट एन स्क्वायर बाय इजेड आर। तो लैम्डा इस इक्वेशन से लैम्डा निकालिए, लैम्डा इज 2 पाई R by N, अभी lambda is equal to 2 pi A naught N square by Z, ठीक है। इसको N is equal to दिया हुआ है, N is equal to 4, तो 2 pi A naught 4 square by Z, Z 1, तो क्या आएगा? 8 पाई ए नॉट आंसर आएगा,
समझे, यही सब, यही आंसर है इसका, एक पाई ए नॉट बेसिक सा सवाल है। टू पाई आर जो है एन लैम्डा में पता है, आर का फॉर्मूला तो पता ही है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, उसके बाद एक पाई ए नॉट आसानी से आ जाएगा। दूसरा सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द यंग बोर ऑर्बिट इज एन हाइड्रोजेनिक एटम इज इक्वल टू, इन एन हाइड्रोजेनिक एटम इज इक्वल टू 1.5 ए नॉट वेयर ए इज बोर रेडियस, द वैल्यू ऑफ एन बाय जेड इज, ऑप्शन सी होगा। ये 2019 का सवाल है, 2019 जेई का सवाल है, तो थोड़ा सोचते हैं इसमें कैसे करना है। तो हमारे वन ऑफ दी पीडब्ल्यू के सर ने एक टेक्निक यूज किया था, हम वही यूज करते हैं। जब कभी आपको सोचना है, स्टूडेंट सोच रहा है, तो वो सर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्टूडेंट है, थोड़ा बैर कर लीजिए, ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है हमारा, तो ऐसे, तो क्या करते हैं स्टूडेंट थोड़ा सोचता है, उजालता है, तो थिंकिंग, ही इज थिंकिंग, द स्टूडेंट इज थिंकिंग हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो ऐसा उनका रिप्रेजेंटेशन है, हमने उनसे बारो कर लिया। तो एनीवे, तो सोचिए कैसा करना है, ये हमें पता है 2πr इज इक्वल टू एन लैम्डा है ना, आर इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड, ठीक है। अभी इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2πa नॉट एन स्क्वायर बाय जेड इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है ना, एंथ बोर ऑर्बिट है तो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, ऐसे रहने दीजिए। अभी यहां पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल टू दिया हुआ है 1.5 ए नॉट दिया हुआ है आपको, तो इससे निकाल दीजिए, एक एन कट जाएगा, इससे लैम्डा 2π ए नॉट एन बाई जेड है ना, इजेड वन है, ठीक है, तो इजेड इजेड रहने दीजिए, हमें इजेड एन बाई जेड ही चाहिए ना, इजेड रहने दीजिए। अभी लैम्डा इज इक्वल टू 2π ए नॉट एन बाई जेड, अभी क्या होगा, इससे दिया हुआ है लैम्डा, तो इसको इक्वल कीजिए 2π ए नॉट एन बाई जेड इज इक्वल टू लैम्डा दिया हुआ है 1.5 π ए नॉट, पाई कैंसिल हो जाएगा, ए नॉट भी कैंसिल हो जाएगा, अभी क्या बचेगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा इसमें, अभी आएगा एन बाई जेड रेशियो निकालना है, ये वाला रेशियो निकालना है, एन बाई जेड, सो मैं एन बाई जेड इज इक्वल टू ये ऐसा हो जाएगा, तो 1.5 बाई 2 आएगा 0.75 है ना, ठीक है, क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी ऑप्शन सही है, ये वाला है, ठीक है, बहुत आसानी से सवाल है, थोड़ा थिंक करना है बस, ये दो फॉर्मूला उसको रीअरेंज कर दीजिए, आसानी से एन बाई जेड आ जाएगा, समझ में आ गया सबको। थर्ड क्वेश्चन, अगला सवाल करते हैं, अभी तक हमने दो आसान सवाल किए थे, आप सोच रहे होंगे सर ऐसे ही सवाल आएंगे, आपने दो फॉर्मूला यूज किए हैं लगातार कंटिन्यूस, यही सेम फॉर्मूला यूज किया है रिपीटेडली, वही फॉर्मूला आएगा तो वही क्वेश्चन आएगा क्या, ऐसे सोच सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा सवाल 2021 में, अगला सवाल ये वाला थोड़ा अटके है, अलग ही है,
the wavelength of the electron accelerated from rest through a potential difference of 40 kilovolt. Potential difference again is x into 10 power minus 12 meter. The value of x is as a sawal hai. To kya hai? Thoda sochiye. जब जब कभी आप सोचते हैं हम सिंबल लगा देंगे. आप सोच रहे हैं तो थोड़ा इस टाइम अचानक बना, प्लीज बैर विद मी. ठीक है तो थोड़ा एडजस्ट करो. ठीक है तो अभी सर क्या है सर, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है हमें, तो पोटेंशियल डिफरेंस का और क्या होना है इसमें. एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, पोटेंशियल डिफरेंस लगा के, करंट लगा के इलेक्ट्रॉन को दौड़ा दिया, फास्ट कर दिया, एक्सेलरेटेड कर दिया. एक्सेलरेटेड मतलब दौड़ा दिया इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से. अभी वेवलेंथ, डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ का एक फॉर्मूला है, एच बाई रूट ऑफ टू एम क्यू बी. इसमें एक हेच प्लैंक्स कांस्टेंट है, टू मास है, एम क्यू चार्ज है, बी क्या है वेलोसिटी, नहीं पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज है. तो अभी इसको और आगे बस फॉर्मूला चलो सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करके बाद फिनिश करो. हेच प्लैंक्स कांस्टेंट कितना है, 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 by root of 2 into mass of electron 9.1 into 10 power minus 31. Charge kitna hai 1.6 into 10 power minus 19 volts kya diya hua hai, 40 kilovolts. To usko 40,000 kar do, volts mein kilovolts mein diya, convert kar do. Seedha seedha answer 6.8 kitna hai, calculate karo thoda. जल्दी कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने पर 6.14 इंटू 10 पावर माइनस 12 मीटर, माने वैल्यू ऑफ एक्स इज क्या है, 6. वैल्यू ऑफ एक्स इज 6. ठीक है बस. ठीक है अभी इसमें डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ में बस इतना ही. उसके बाद अभी थोड़ा इसमें से थोड़ा पास ले लीजिए, वीडियो को पास कीजिए. वीडियो को पास करने के बाद आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सोचिए हमने अभी तक क्या किया है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. ठीक है अभी अगला टॉपिक देखने से पहले थोड़ा रिव्यू करेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे. हाइजेनबर्ग आ रहा है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखेंगे, बस बात करो. तो हमने डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ तक कमिट कर दिया है, तो इस वीडियो का आधा हो गया है. तो अभी थोड़ा सोफा रिव्यू करते हैं, हमने कभी अभी क्या क्या देखा. तो हमने एटॉमिक मॉडल्स देखा, वेव जे जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था वो शुरू करके वहां से लेके प्लंकोटिंग मॉडल, बोर ऑर्बिट, वहां से मैंने इंट्रोडक्शन दिया था. तो प्लंकोटिंग मॉडल सब देखा था. अभी उसके बाद क्या देखा हमने, डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/3, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट देता हूं h / mv. ठीक है फिर 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा, उसके बाद r इज इक्वल टू a नॉट n स्क्वायर / z. ये सब हमने देखा था अभी तक, ये फॉर्मूला यूज किया था, फिर वोल्टेज का भी एक फॉर्मूला यूज किया था. तो ये सब हमने कंप्लीट कर चुके. मुझे उम्मीद है अभी तक आपको बढ़िया समझ आ गया. तो ठीक है क्लियर, आगे बढ़ते हैं. हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखते हैं. ठीक है अभी शुरू करते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल.
Heisenberg's uncertainty principle. अभी ये क्या है? Heisenberg's uncertainty principle में अभी तक क्या हुआ, हमने देखा है कि पहले लोग सोच रहे थे इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, उसके बाद डी ब्रोगली आए, उन्होंने बोला नहीं भाई ये ड्यूअल नेचर है, पार्टिकल भी हो सकते हैं, वेव नेचर भी दोनों है, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा के बोर ने हमें क्या समझाया कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है ना, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है। अभी Heisenberg ने बोला नहीं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है बोर ने बोला, लेकिन Heisenberg ने इसको मना कर दिया, क्योंकि अगर ऑर्बिट में घूमता है तो उसका एक डेफिनेट वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंस पे डेफिनेट वेलोसिटी और मोमेंटम होना चाहिए, है ना, पोजीशन और वेलोसिटी होना चाहिए, मोमेंटम वेलोसिटी है एक ही बात है, उसमें वेलोसिटी बताए तो मोमेंटम आ जाएगा, मेरे कहने का मतलब है पोजीशन और वेलोसिटी दोनों का पता चाहिए, ठीक है। एक इंस्टेंस में इलेक्ट्रॉन है, यहां है, अगर ऑर्बिट में है तो, ऑर्बिट में यहां पे है तो उसका डेल एक्स डेल बी चेंज इन पोजीशन चेंज इन वेलोसिटी पता होना चाहिए, साइमल्टेनियसली पता होना चाहिए, लेकिन Heisenberg अंकल ने मना कर दिया, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डिटरमिन द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज वेल एज द वेलोसिटी साइमल्टेनियसली, जो भी हम शब्द बोल रहे हैं एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट डिटरमिन द पोजीशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस, ऐसे शुरू करना है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमिन्ड साइमल्टेनियसली, Heisenberg's uncertainty principle, पोजीशन एंड वेलोसिटी हम लिख रहे थे एट एन फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंस, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस at a particular instance क्या है, it is not possible to determine exact position and velocity, चल गया, position and velocity of an electron simultaneously, important है, ये की वर्ड्स है, आप मार्क कर लीजिए, simultaneously मतलब ये की पर्टिकुलर इंस्टेंस में you cannot determine position and velocity, exact position velocity find nahi kar sakte, but kehne ka matlab mathematically del x into del p momentum greater than or equal to h by 4 pi, Heisenberg's uncertainty principle, mathematically del x p ka kya hai, m ne bahar nikal jayega kyunki constant hai, del v greater than or equal to h by 4 pi, ठीक है। अभी डेल एक्स डेल बी ग्रेटर इक्वल टू h by 4 pi m, ऐसे मिल जाएगा, नोट कर लो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अभी हम थोड़ा सोचेंगे, सोच विचार करेंगे, सोचेंगे समझेंगे, थोड़ा क्वेश्चन रिव्यू करेंगे, वीडियो को पास कर लीजिए, पास करने के बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, कुछ सोचेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम्स हमारा जेई प्रॉब्लम्स भी करेंगे, ठीक है। अभी तक समझ में आ गया, बात बिल्कुल सही है, Heisenberg's uncertainty principle, डी ब्रोगली देख लिया, Heisenberg's uncertainty principle एक
क्वेश्चन इसमें आना ही आना है एग्जाम में, ये दोनों में एक क्वेश्चन श्योर है आएगा, सवाल आएगा या बढ़िया सवाल बनेगा, देखते हैं। अभी थोड़ा इसको सोचिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, सोचिए, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ अभी पॉज एंड पॉन्डर, सोचने का टाइम, ठीक है। जबकि जब भी हम सोचते हैं हम लगाते हैं, ठीक है, सोचिए। स्टूडेंट सोच रहा है, माइंड अप्लाई कर रहा है ऐसे, ठीक ठीक है, सोचिए। ये सवाल लेते हैं, स्टेट हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सेकंड क्वेश्चन, डू यू रिमेंबर वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। हमने पिछले वाला प्रॉब्लम में किया था प्लैंक्स कांस्टेंट एच, उसका क्या वैल्यू, सोचिए थोड़ा। वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए, ये रिकॉल कीजिए, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू भी थोड़ा सोच के रख लीजिएगा। हम पॉज करेंगे वीडियो को, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। अभी पॉज करिए, अभी सोचिए। स्टेट हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, at any at a particular instance it is impossible to determine the position and velocity of an electron simultaneously, determine exactly the position, wo bhi aana chahiye, wo hai Heisenberg's uncertainty principle. Dusra sawal, do you remember the value of Planck's constant h? Iske aage aage badhne ke liye kya keywords thoda likh lete hain, at any particular instance of time होना चाहिए, कीवर्ड्स होना चाहिए, पोजीशन होना चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए, एग्जैक्टली होना चाहिए, पोजीशन वेलोसिटी ये कैसा होना चाहिए, एग्जैक्टली ये वर्ड आना चाहिए, एग्जैक्टली पोजीशन वेलोसिटी, उसके बाद क्या साइमल्टेनियसली, ये सब कीवर्ड्स इसमें होना चाहिए, ठीक है। अभी इसका प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 पावर 62 भी हो सकता है, 6.262 6.6 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकंड, यूनिट्स जूल सेकंड, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा लिख लीजिए कीवर्ड्स, आसानी रहेगा, ठीक है। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के प्रॉब्लम्स करते हैं, जेईई का बड़े बड़े सवाल लेके आते हैं आपके लिए, हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में प्रॉब्लम करते हैं। जेईई का 2022 में पूछा गया सवाल है, इफ द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ अ माइन्यूट पार्टिकल इन स्पेस आर 2.4 × 10⁻²⁶ एंड 10⁻⁷ मीटर, ये क्या है वेलोसिटी, ये क्या है पोजीशन, ठीक है, द मास ऑफ द पार्टिकल क्या है, पूछा है, सीधा साधा सवाल है, सोचिए थोड़ा। जब आप सोचते लिखते हैं हम ड्रा करने लगते हैं, ठीक है, सोचिए। हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, कहता है कि डेल एक्स एम डेल बी इंटू एम डेल बी इज इक्वल टू h/2π h/4π, है ना, ठीक है। अभी क्या क्या दिया है, डेल एक्स दिया हुआ है क्या, 10⁻⁷ एम नहीं दिया है, उसी को फाइंड आउट करना है। डेल बी दिया है 2.4 × 10⁻²⁶, सो आ गया सब्स्टिट्यूशन, इसी को h कितना है 6.6 × 10⁻³⁴ / 4π,
यहां से m निकाल लीजिएगा, m कैलकुलेट कर दीजिएगा आ जाएगा, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10^-34 बाई 4π इंटू 10^-7 इंटू 2.4 इंटू 10^-26 m कितना आएगा कैलकुलेट करके जान लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। कैलकुलेट आप अपने आप से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर दीजिएगा। आपका यम आएगा 22 grams, ठीक है, 22 grams, ये 22 gram यहां दिए हुए हैं, ठीक है, जरूरत नहीं है, 22 आंसर 22, ठीक है। एक और सवाल करें, ठीक है, हाँ अभी थोड़ा नेक्स्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं, एक और आखिरी सवाल इस हीजन बल्ब आंसर प्रिंसिपल का और इस वीडियो का। क्या क्वेश्चन, सवाल क्या है, an accelerated electron has a speed of 5×10^6 meter per second with an uncertainty of 0.02%. The uncertainty in finding its location is x×10^-10 meter. Find the value of x. JE का 2021 का सवाल है, तो अभी इसको थोड़ा सोचते हैं। तो ये जो स्टूडेंट हैं सोच रहे हैं, आपके जैसा बहुत सोचते हैं, सोचते हैं, फिर उसने अभी पता लगा लिया कैसे करना है। तो सर एक्स वैल्यू ऑफ एक्स ढूंढना है, तो क्या है सर एक्स हरदम एक्स फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं, एक्स बहुत परेशान कर रहे हैं सर, नेचुरली एक्स परेशान नहीं करेगा, मैं मैथमेटिकली एक्स की बात कर रहा हूँ वेरिएबल की। तो यहाँ पे एक्स क्या है, uncertainty in finding its location, location find out करना है। हमारा uncertainty Heisenberg's uncertainty principle लिख लीजिएगा, Heisenberg's uncertainty principle लिख लीजिए, क्या है डेल एक्स डेल बी एम डेल बी सीधा सीधा लिखे एम डेल बी इसी तौर पर हिट बेट फोर पॉइंट है ना, है ना। अभी क्या है हमें डेल एक्स फाइंड करने का है ना, वैल्यू ऑफ एक्स फाइंडिंग इट्स लोकेशन, लोकेशन माने डेल एक्स फाइंड करना है ना। तो डेल एक्स फाइंड करना है, हमारे पास डेल बी दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है स्पीड ऑफ 5×10^6, ठीक है, नहीं डेल एक्स के प्लेस में डेल बी आई एम सॉरी डेल बी के प्लेस में ले ले वेलोसिटी के प्लेस में सब्स्टिट्यूट करें 5×10^6 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल भी नहीं, अनसर्टेनिटी ऑफ 0.02%। डेल एक्स डेल बी क्या है, डेल बी अनसर्टेनिटी है, डेल बी चेंज है, चेंज इन वेलोसिटी है, ये सीधा वेलोसिटी नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, 5×10^6 इनटू 0.02% करना है, उसके बाद इसको करना है, ठीक है। अभी ले लो डेल एक्स इनटू मास दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 × 10^-31 है ना। अभी डेल बी का, डेल बी 5×10^6 इंटू 0.02%, ठीक है ना। अभी उसका क्या आएगा, इसी इक्वल टू h बाई
इज इक्वल टू, यहां पर लिख लीजिए इज इक्वल टू 8 बाय 4 पाई 6.6 इनटू 10 पावर माइनस 34 इन डिवाइडेड बाय 4 पाई, पाई 3.14 आपको पता है ये। फिर अभी डेल एक्स फाइंड आउट कर लीजिए, डेल एक्स इज कैलकुलेट कर लीजिए फटाफट, बताइए वैल्यू कितना आएगा, 58 इंटू 10 पावर माइनस 9 मीटर, ये है डेल एक्स का वैल्यू। अभी हमने रीजन बल्स एंड प्रिंसिपल फिनिश किए हैं, यही का दो सवाल किए हैं, क्या है रीजन बल्स एंड प्रिंसिपल ये देखा है। इसी से इसी के साथ हम वीडियो खत्म करने वाले हैं, थोड़ा और प्रॉब्लम्स देने का कोशिश करेंगे, दो तीन प्रॉब्लम देंगे आप, तो करने से वी लर्न बाई डूइंग, इसी ना, सो आप कीजिए लर्निंग बाई डूइंग के लिए प्रॉब्लम देंगे तो उसको कीजिए, उसके बाद अगर कोई कुछ सवाल है तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, हम सॉल्व कर देंगे। कोई भी डाउट्स है पोस्ट कर लीजिए। थोड़ा रिकॉल करेंगे हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है वेरियस मॉडल्स सीखा है, जे जे थॉम्सन कंपोनिंग मॉडल, उसके बाद बोर उसका इंट्रोडक्शन देखा है हमने, डिटेल में देखा नहीं देखा, उसके बाद डी ब्रोगली डिटेल में देखा है, डी ब्रोगली डेल्टा सी और एच वाई एम भी, उसके बाद कैसे फाइंड आउट करना है वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ तीन प्रॉब्लम भी किया उसने, अच्छे अच्छे सवाल किया है, उसके बाद हीजन बल सेंसिटिविटी पर आए, उसके बाद हीजन बल सेंसिटिविटी में भी थोड़ा सा सवाल किया, दो सवाल किए हैं। तो या उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया है, तो आप पास करके जो सवाल है प्रॉब्लम्स है प्रैक्टिस के लिए वो कर लीजिए, जैसे मैंने बताया इफ यू विल लर्न ओनली व्हेन यू डू, सो लर्निंग बाय डूइंग के लिए हम हमारी भाषा में बोलते हैं एलबीडी, तो एलबीडी के लिए हमने प्रॉब्लम दिया हुआ है दिया रखा है, तो आप उसको कीजिए। तो इसी से इसी के साथ हम यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं, पढ़ाई करते रहें, हार्ड वर्क हार्ड, विश यू ऑल सक्सेस, जय हिंद।